भाई हम लोग क्लास सिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो कि पेज नंबर 5 पर है। आप लोग पेज नंबर 5 बुक ओपन कर लीजिए। राइट साइड पेज पर आप देखिए अप साइड में जो कि आपका लेसन नेम है श्रेय। श्रेय मीन्स अच्छाई भलाई। अध्याय उद्देश्य आपका दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लेसन रीड करने से पहले पढ़ने से पहले आइए हम लोग वर्ड मीनिंग रीड कर लेते हैं या लर्न कर लेते हैं, फिर हम जब लेसन रीड करेंगे समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग पेज नंबर 6 पर चलते हैं जहाँ पर आपका वर्ड मीनिंग लेसन का दिया गया है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो वर्ड मीनिंग आपका राइट है इस पेज पर, इसके बाद जो हम लेसन में आपको बताते रहेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको कॉपी में आप लोग राइट कर लेंगे। और लेसन में हम जो बताते रहेंगे जहाँ भी नहीं समझ में आएगा आप, जहाँ पे आपको लगे कोई कन्फ्यूजन है, तो शब्दों का जो वर्ड मीनिंग हम आपको बताते रहेंगे उस समय आप कॉपी में या रफ पर नोट करके उसको नोट में बुक में अपने नोट कॉपी में राइट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ आपका दिया गया है कड़े। कड़े मीन्स कठोर। बरसों, बरसों मीन्स सालों। लौह स्तंभ, लोहे का खंभा। अनहोनी, जो नहीं होना चाहिए। भाप उठा, आभास हो गया। उखड़ा, जमीन से अलग हो जाना। उजड़ा, नष्ट होना। तले, तले में नीचे। इसके अलावा जो हम आपको अभी बताएंगे इसमें, उसमें जो आपको नहीं समझ में आएगा आप लोग जो वर्ड मीनिंग अभी बताएंगे, जो उसका अर्थ बताएंगे, उसके अनुसार आप वर्ड मीनिंग के रूप में आप कॉपी या रफ में राइट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं लेसन रीडिंग लगाते हैं, फिर देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका लेसन फर्स्ट में अध्याय उद्देश्य दिया गया, जो कि आपका कभी कभी हम कोई काम नहीं करते इसके बावजूद उसका से हमें मिल जाता है, भले ही अन्य लोग सच न जानते हों, पर हमारा अंतर्मन तो सच्चाई जानता है। हमारा मन किसी और का श्रेय स्वयं लेने के बोझ को संभाल नहीं पाता और हम सभी को बता देते हैं कि हम यह काम हमने नहीं किसी और ने किया है, ठीक है। इस लेसन में आपको बताया गया है जो वर्क, जो काम अदर व्यक्ति कर रहा है लेकिन श्रेय किसी और को मिल रहा है, उसका परिणाम किसी और को कहा जा रहा है, तो वहाँ जो है मन पे बोझ बना रहता है कि हमने यह काम नहीं किया फिर भी हमें इसकी बड़प्पन का एहसास दिलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो बोझ सा बना रहता है, ठीक है। उसको हमें छुपाना नहीं चाहिए, जो सच्चाई है उसे हमें बता ही देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं तो हमारे मन के ऊपर बोझ सा बना रहेगा कि हमने ऐसा काम किया ना फिर भी हमें कहा जा रहा है। गलत काम हो या अच्छा काम हो ऐसा कहा जाता है तो बुरा लगता है। यही हम लेसन में आप देखेंगे आज। देखिए आइए, कहा किसी ने पेड़ तुम इतने बड़े हो इतने कड़े हो, न जाने कितने वर्षों से आधी पानी में सीधे खड़े हो, और हाँ सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। कभी इन पंक्ति से माध्यम से वृक्ष के पेड़ के विषय में कहा, अय पेड़ तुम इतने बड़े हो और इतने कड़े भी हो, टाइट हो, कठोर हो, पता नहीं कितने सालों से कितने वर्षों से
आंधी आती है, पानी आता है, धूप लगता है, फिर भी आप सीधे खड़े रहते हो और हाँ सिर ऊंचा किए हुए और सिर भी ऊंचा किए रहते हो और अपनी जगह पर एकदम अड़िग रहते हो, एकदम अड़े हुए रहते हो। ठीक है, सूरज उदय होता है, चांद बढ़ता घटता है, ऋतुएं बदलती हैं, बिजली गिरती है, ये सब सारे क्रियाकलाप होते हैं। सूरज भी उदय होता है, चांद बढ़ता घटता है और ऋतुएं बदलती हैं, बिजली भी गिरती है। और तुम सब सहते हुए, पेड़ को कहा गया इतने सारे मौसम बदलते हैं, सूरज उदय होता है, चांद बढ़ता घटता रहता है, ऋतुएं बदलते थे, बिजली तड़कती रहती है, गिरती रहती है, फिर भी तुम सब कुछ सहते हुए विनम्रता, यहाँ बुक में आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे माँ के नीचे आपका रहेगा, विनम्रता की हरियाली को ओढ़े, लौ स्तंभ की तरह खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो। कितने विनम्रपूर्वक अपनी जगह पर अपनी पंक्तियां जो है, पत्तियां जो है, वो हरियाली के रूप में ओढ़े हुए हो और लोहे के खंभे की तरह खड़े हुए हो और अपनी जगह से कहीं हट नहीं हो, एकदम टिके हुए हो, अड़े हुए हो। पेड़ कांप उठा, पेड़ ये सब सारी बात सुन करके वह कांप उठा, अनहोनी को भाप उठा, कि सोचिए कैसे हो रहा है, पत्नियां चुप न रह सकी, सर सर का शब्द गूंज उठा, पेड़ों से आवाज आने लगी और पेड़ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा। क्या है, देखिए आइए हम लोग पेज नंबर 6 पर चलते हैं, पेज नंबर 6 पर आइए हम लोग चलते हैं। पेड़ ने कहा नहीं नहीं झूठा श्रेय, मुझे झूठा श्रेय नहीं चाहिए, यह झूठा श्रेय है, मुझे मत दो, मुझे मत दो, यह झूठा श्रेय है, मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं तो बार बार झुका, गिरा डालियां टूटी और मैं उखड़ा, सूख टूट होकर कैसे उजड़ा, मेरे तो बार बार डालियां टूट जाती है, पत्तियां झड़ जाती है, तो बार बार झुकता हूँ, डालियां टूट जाती है और मैं ठूठा हो जाता हूँ, बार बार उजड़ जाता हूँ, नष्ट हो जाता हूँ, जमीन से भी अलग हो जाता हूँ। श्रेय देना हो तो दो। वृक्ष ने, पेड़ ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और सच्चाई को बताया, ठीक है आप श्रेय दे रहे हैं तो दीजिए, लेकिन किसको देना है, मैं बता रहा हूँ। पेड़ ने कहा मेरे पैरों तले की मिट्टी को, जिसने न जाने कैसे मेरी जड़ों को अपनी गोद में संभाल कर रखा है, श्रेय देना उनको तो जिसकी वजह से मैं खड़ा हूँ, उन्होंने मेरी जड़ को, मेरे पैरों को अपने अंदर समाहित करके न जाने किस तरह से अपनी गोद में मुझे संभाल कर रखा हुआ है, पकड़ करके रखा हुआ है। पेड़ ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और बताया मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बार बार ठूठा हो जाता हूँ, बार बार डालियां टूट जाती है, उखड़ जाता हूँ, बार बार झुकता हूँ, बार बार गिरता हूँ, ये सब झूठा श्रेय है, मुझे मत दो, श्रेय देना है तो दो, किसको देना है, जो मिट्टी है वह मुझे अपने अंदर समाहित करके पकड़ करके गोदी में ले करके रखी हुई है, मैं उसी की, उन्हीं की वजह से टिका हुआ हूँ, श्रेय देना हो तो उनको दीजिए। आप लोग जो नहीं समझ में आएगा आप बार बार रिवाइज करेंगे, हम आपको फिर से बताएंगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा।
व्हाट मीनिंग राइट कर लेंगे, जो हमने इसमें आपको बताया इन अर्थों को, इसमें जो वर्ड मीनिंग आपको समझ में आएगा इसको आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसके आगे आपका अभ्यास कार्य है, उसमें कई पार्ट है, भाषा व्यक्ति लिखित बहुविकल्पी व्याकरण अभ्यक्ति, सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। इसको आप कॉपी में लेसन फर्स्ट का पहले वर्ड मीनिंग राइट करेंगे, जो हमने वर्ड मीनिंग इसमें बताया उसको भी राइट कर लेंगे, जो नहीं समझ में आएगा आपको, और फिर हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।